घर घर गूंजी गान, बचन दास गुरु मनाई की सुमिरू जगदम्बे मात हे, भैरव गिर स्वामी मेरी सुलाज तुम्हारी खात की। ईश्वर देव सरस्वती मैया ध्यान तेरो इधर साथी, हमारे प्यार करने योग्य बच्चों, देखिए कि मैं आप लोगों के समक्ष और ये भस्मासुर लीला आप तक पहुंचा रहा हूं। भस्मासुर शमशान से ये नित लावे भस्म उठाए की, अंग संकर के मले फल फूल बेल चढ़ाई की। मेरे श्रोताओं, भस्मासुर का नित प्रति का यही नियम बना हुआ था, वो शमशान में जाया करता था, जले हुए इंसानों की भस्मी उठा के लाता था और शंकर भगवान के शरीर से खूब मलता था। जगत पिता महादेव कुछ दिनों के बाद प्रसन्न हुए और क्या बोले, असुर राज को देख कर कहन लगे शंकर हरि, अति प्रसन्न मोए जान ले मांग ले इच्छा तेरी। आज भगवान शंकर ने
नेत्रों को घरा तो भस्मासुर को सामने देखा है। हंसकर के भगवान बोले, हे दैत्यराज, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, आज तुम जो मांगोगे वो ही मैं वरदान देने के लिए तैयार। ए सुने बचन असुर हर साया के, शब्द भगवान शंकर के सुने हैं। है भस्मासुर हंस करके बोला, प्रभु सुनो, ए लखि प्रसन्न भगवान। मेरे श्रोताओं, भस्मासुर किस प्रकार से अपनी माया को फैलाता है भगवान शंकर के ऊपर, सुनिए गौर लगा के। लखी प्रसन्न भगवान कहे बलवान बचन उच्चारो, ए मांग तो लऊ वरदान रे भरोसो नाने प्यारो, सबकी छोड़ी आस आयो तेरे पास तो को मारो, बातन में समझो सा पूरे मुइयहु नहीं दी के सहारो। भैया रामवीर, हमेशा दगाबाज चेलाओं के यही खेल हुआ करते हैं। आज भगवान शंकर को प्रसन्न देख करके भस्मासुर कहने लगा, है ये अति प्रसन्न है, मगर इन पर चाल चलाऊंगा, एकदम से इनसे मैं वरदान मांगता हूं तो वचन लौट जाएंगे। बोला, ये स्वामी, मैंने आपकी सेवा तो की है, मगर मुझे ये विश्वास नहीं होता कि जो मैं मांगूंगा सो तुम मुझे दे दोगे। भगवान शंकर ने जवाब दिया, तुम मांगो तो सही, अब समझो क्या हुआ। आए समझी न जाई निसाचरी माया, के समझी जाई न निसाचरी माया, दिल में खुशी ऊपर दुख छाया, हे बनारो 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 बनारो, ये भोले नाथ पे फंदा डारो, हाँ। मेरे श्रोताओं, ज्यादा क्या कहूं, भस्मासुर एकदम से रोने लगा। हाय, टप टप आंसू जब गिरते हुए भगवान शंकर ने देखा, खड़े हो गए भगवान शंकर और कहने लगे, ये भस्मासुर, ये मुझे बता दे क्या संकट है तेरे पर जो तू रो रहा है, बताओ तो सही। कपट चाल से रो रहा नैना कर ले लाल, शिव शंकर समझे नहीं असुर चला बेचाली। भगवान शंकर तो भोले ही थे, आज वो इस माया को नहीं समझ पाए, असुर राज रोने लगा। श्रोता हो, भगवान शंकर किसी का दुख न देख सकते थे, कोमल हृदय था। भगवान शंकर बोले, ना रोइए ना, मुझे ये बताइए क्यों रोते हो, क्या दुख तेरे उर बसो कई दे साफ खुलास, मन मानो पर मांग ले दयो सिम्मु विश्वास। भगवान शंकर ने भस्मासुर को कंठ से चिपका लिया, कहा, बेटे जो तेरे दिल में बसा है उसे साफ खुलास कह दे, मैं वो ही देने के लिए तुझे तैयार हूं। हाय मेरे आदरणीय श्रोता हो, क्या बोला भस्मासुर, ए जोड़ी खड़ो दो खातु। महाराज शंकर सुनो ना,
जोड़ी खड़ो तुम बात सुनो बोला नाथ कही यो बानी पर तेरा बाजा कहो रे करोगे ना आना कानी जवाब दिया भस्मासुर ने हे प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता दरवाजा भर के कहो कि जो मैं मांगूंगा सो तुम मुझे दोगे भगवान शंकर बोले दरवाजा भर के कहता हूँ जो तू मांगेगा वही मैं देने के लिए तैयार हूँ भला ऐसा स्वामी कौन होगा जो सेवक सेवा करे और उसका फल न दे मांगिए बेटा क्या मांगना चाहते हो मांगो सही तो सुनो स्वामी धरूं जाके सिर हाथ जले बाको गात भसम के जाई ऐसो देव बरा दान क्यों रही अब तुम तीर लगाई भगवान शंकर को प्रसन्न देकर के देखिए आओ भस्मासुर क्या वरदान मांगता है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं किसी योद्धा के सिर पर हाथ रख दूं और ये कह दूं कि भस्म हो जाए तो वो भस्म होना चाहिए भगवान शंकर हंस के बोले अरे बेटा अरे हंस बोले गंगाधारी बेटा इस बात के लिए तो बहुत देर से झिझक रहा था इसे पहले ही मांग लेता आई हंसी बोले गंगाधारी इच्छा पूर्ण करूं तुम्हारी बिना सोचे बिचारे कहा ये मस्त ऐसा ही होगा बेटा जाकू के सिर पे तू हाथ रख के ये कह देगा भस्म हो जा तो वो भस्म ही हो जाएगा जब ऐसा वरदान पा करके श्रोता अब क्या हुआ सुने के बानी से भी शंकर की मन में हर सायो आई खरे मन में हर सायो भस्मासुर भगवान शंकर के इतने शब्द सुन के अब तो प्रसन्न होने लगा वरदान पा तो लिया अब क्या हुआ मति फिरने लगी भाई वरदान खुशी भाव भारी भाई वरदान खुशी भाव भारी बात करे कछु और आसी फिराने लगा भगवान शंकर कहने लगे क्या कर रहे हो करी अभिमान यो कहने लागो भस्मासुर बलशाली ए त्रिपुरारी सुनो ना करी अभिमान यो कहने लागो भस्मासुर बलशाली
सुनिए ना, अब मैं इस संसार में कोई देव दैत्य किसी को नहीं छोड़ूंगा जिंदा। अब तो सारे संसार में मेरा ही अधिकार रहेगा। भस्मासुर की बंध गई ये जी सारे जगत में धाक है, जाके सिर पर कर धरे वो जल कर हो जाए राख है। मेरे श्रोता हो, भगवान शंकर से वरदान पा करके अब तो भस्मासुर की सारे संसार में धाक बंध गई और सब उससे डरने लगे। रास्ते में आते हुए नजर आ जाए, कहने लगे हो भैया भस्मासुर आ रहा है, सभी डरने लगे। कहा भाव भैया रामवीर, ये सुनो आगे की बात, वीर को यश छायो भारी। श्रोता हो विचार लगाइए, त्रेता द्वापर सतयुग सब युगों में पापी लोगों का जन्म होता आ रहा है। आज हम कलयुग में शिष्य यानी चेलाओं को दोष दें भला अच्छा नहीं, क्यों पहले से भी दगाबाज चले आ रहे हैं। भगवान शंकर से वरदान पाकर अब तो भस्मासुर विश्व में राजा बनने की सोचने लगा। देव दैत्यों को सबको भस्म करना चाहता था, सभी डरने लगे। भैया रामवीर कैसे, सुनो आगे की बात, वीर को यश छायो भारी, कयो कर दई भस्म डरे जाति सब की नर नारी, कयो कर दई भस्म डरे जाति सब की नर नारी। मेरे श्रोता हो, कयो बिचारे भस्म कर दिए, कईयो डरने लगी, आई नीति को नहीं वो पहचाने, ये नीति को नहीं वो पहचाने, ये बूढ़े बालक जवान सवाई रे बातें भेमाने, ये बूढ़े बालक जवान सवाई बातें रे भेमाने। अरे सामने जो कोई आ जाता, ये सामने जो कोई आ जाता, बिना आई हाय मोती बेचारा वो ही मर जाता, ये बिना आई हाय मोती बेचारा वो ही मर जाता। ज्यादा क्या कहूं, अब तो भस्मासुर ने ये हाल कर दिया, अगर कोई सामने उसके पड़ जाता उसे भस्म कर देता। सब भय मांगने लगे आगे क्या हुआ। भस्मासुर एक दिन जंगल में अकेला घूम रहा था, हुआ क्या, मार्ग में नारद मिले खल गर जो एक ही साथ है, देवर सी के सी सपे खल भागो धर भी हाथ के। बेचारा नारद हमारे रामवीर भैया की सीमाला डाल के आगे से उसी जंगल से आ रहे थे, हुआ क्या, नारायण हरि मुख से वचन उचारा, भस्मासुर की नजर उन पर पड़ गई। हाय भैया, एकदम से नारद जी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा, हुआ क्या, ए नारद ने मतो बनाया के, ए नारद ने मतो बनाया ही, नारद ने मतो बनाया ही, भगवान यजब तेरी माया ही। सोचा हाय भस्मासुर, भस्मासुर को देख के नारद जी बड़े चतुर थे,
कहने लगे, हाय अब तो या की प्रशंसा करूं जाहुरी मेरे प्राण बचेंगे। नारद जी झपट के आगे बढ़ गए, हंस के बोले, क्या ए सुनो ना, लेकिन भैया भस्मासुर के तो दिल में घमंड फंसा हुआ था, क्या किया, खलकू छायो अति अभिमान, खलकू छायो अति अभिमान, देखी नारद को खरसायो, ए पीड़ाधारी बाबा बच के नहीं जाएगा इधरा, खलकू छायो अति अभिमान, देखी नारद को खरसायो, धरन मुनि पे खल जायो, ए हाथ धरन मुनि पे खल जाहो, ए भेद सकल नारद नि उपायो, बोली नारद चतुर सुजान, देख ऋषिवर को हरसायो, खलकू छायो अति अभिमान, देख नारद को हरसायो, हमेशा देख लो नर हो या नारायण हो, तपसी हो, कोई भी हो, मौत से सब कोई डरता है। जब नारद जी ने देखा, हाय शंकर का वरदान ये मुझे भस्म कर देगा, हंसने लगे नारद जी, अरे सुना ना, इधर आओ ना, ए तेरे हाथ गजब की रेखा, ए तेरे हाथ गजब की रेखा, तो सो वीर बलि नहीं देखा, कांपे शिव ब्रह्मा भगवान, देख नारद को हरसायो, खलकू छायो यति अभिमान, देख नारद को हरसायो, ज्यादा श्रोता क्या कहूं, आज जैसे ही नारद के सिर पे हाथ रखना चाहा, ऊपर को भस्मासुर ने हाथ दिया, नारद जी के ले सुन दिया, तेरे हाथ में बड़ी गजब की रेखा है, हाथ तो देखा, खलकू छायो यति अभिमान, देख नारद को हरसायो, भैया नारद जी कहने लगे, अरे दैतराज तुम्हारे हाथ में तो बड़ी गजब की रेखा है। भस्मासुर कहने लगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं रेखा बेगा, अच्छा मुझे बातों में लगाना चाहता है, आज तू मुझसे जिंदा नहीं जाएगा। नारद जी ने जवाब दो, सुनो ना, हम तुम्हारा हाथ देखना चाहते हैं, उसके बाद तुम हमें बेशक भस्म कर देना। आज ज्यादा क्या कहूं, भस्मासुर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और नारद जी ने हाथ को पकड़ लिया, और क्या हुआ, कहने लगे नारद जी, अरे भैया तेरे समान तो इस संसार में कोई बलवान नहीं, तेरी रेखा ये कहती है कि तेरे सामने तो ब्रह्मा विष्णु सभी कांपने लगेंगे, और सुन भैया एक बड़ी सुंदर नारी के साथ तेरी शादी लिखी है। भस्मासुर हंस के कहने लगे, ये देव ऋषि सुनो ना, देवर सी त्यारी बात का मोकू बड़ा पछताव है, तुमने क्यों नहीं कर लयो सुई अपनो नारद ब्याव है। भस्मासुर ने जवाब दिया, अगर हाथ में ही शादी लिखी है तो ये बताओ तुमने अपनो ब्याव क्यों ना कर लो। नारद कहे सुनी असुरपति, एक कन्या मेरे उर्वशी,
विष्णु बर के लह गयो करवा डाली मेरी खसी। हे नारद तुम सही कहते हो। भस्मासुर ने कहा मैं जान रहा हूं तुम सही कह रहे हो लेकिन तुमने अपनी शादी क्यों नहीं कर ली। जवाब दो सुनो। एक कन्या सिर्फ मेरे उर्वशी थी और उसकी शादी विष्णु ने कर ली। और सुन। अरे नहीं भेद समझ में आया कि ये भस्मासुर पछलिया का करिश्मा मेरी समझ में नहीं आया। ये नहीं भेद समझ में आया कि मेरे राम या जब तेरी माया के छलिया ने मेरे साथ ये छल किया। सो मैं गाथा सुनाता हूँ सुनिए किया भस्मासुर। हाय में बंदर दियो बनाई को बनाई बा चक्र सुदर्शन पारिनी। भस्मासुर बछलिया विष्णु ने मेरे साथ ये दगा किया। मैं उनसे सुंदरता मांगने के लिए क्षीर सागर में गया था। मैंने कहा हे प्रभु आप हरि का रूप मुझे दे दीजिए तो उन्होंने मुझे बंदर का दे दिया। के विश्वमोहनी मेरे मन भाई विश्वमोहनी मेरे मन भाई। हर से मांगी मैंने सुंदर ताई हर से मांगी मैंने सुंदर ताई। मैं अब तक रहो बचताई बात चक्र सुदर्शन पारे ने कोई बंदर दियो बनाई बनाई बा चक्र सुदर्शन मारिनी। अरे विष्णु ने कियो छल री भारी। आज नारद जी अपने दिल की बात भस्मासुर को बताने लगे। तो मैं बोल नहीं पाता। विष्णु ने कियो छल रे भारी ए ले गौ छल के भूप कुमारी ले गौ छल के भूप कुमारी। मैं अब तक कराओ बचताई बा चक्र सुदर्शन पारी जी ने। हे भस्मासुर तुम जैसे बलवानों को खोजते इस जंगल में मैं डोल रहा था। मेरे साथ में भगवान विष्णु ने इतना न्याय किया था कि मुझे बंदर का रूप दे दिया था और उस भूप कुमारी को ब्याह करके ले आए थे। उस दिन का दुख मैं क्या कहूं। सो भैया मैं तुम जैसे वीरों को खोजते यूं डोल रहा हूं कि भैया मेरा बैर ले लीजिए और विष्णु को भस्म कर दो। भस्मासुर बोलो हसीवानी ए भस्मासुर बोलो हसीवानी। हस्तरे देखो मैं ज्ञानी कवरे में लगी मोई सुंदर रानी भूले पानी। भस्मासुर ने जवाब दिया स्वामी
अरे हम तुम दोनों एक ही बात के रोगी हैं। मैं भी स्त्री के विरह में डोल रहा हूँ, मुझे कोई सुंदर नारी मिले तो मैं उससे शादी कर लूँ, और तुम भी शादी के ही प्रति दुखी डोले हो। नारद जी ने इतने शब्द सुने, हाय झपट के पकड़ लियो भैया, झपट के पकड़ लियो हाथ छलिया ने, झपट के पकड़ लियो हाथ छलिया ने। सुने हैं झपट के असुर का हाथ पकड़ लिया। अभी बताता हूँ तुम्हारी शादी कब होगी, कैसे होगी, किस नारी के साथ होगी, किस दिशा से होगी, सब कुछ बता दूंगा। सोचे अब नारद तप धारी, भैया रामीर, सोचे नारद मुनि तप धारी, अब जापे विद्या चलाई तू सारी, हिजाल घुमाई दो हाय छलिया ने, झपट के पकड़ लियो हाथ छलिया ने। भैया तुम जानते हो नारद जी तो इन बातों के लिए ही डोलते थे, झपट के हाथ पकड़ लिया, कहने लगे घबराओ ना, मैं सब कुछ बता दूंगा, और सोचने लगे अब तो या पे सारी विद्या अपनी चला दूंगा। ये असुरराज सुनिए, सुंदर नारी मिलेगी अनुवेली, ए सुंदर नारी मिलेगी अनुवेली, परिपोत तो पे जाई नहीं झेली, परिपोत तो पे जाई नहीं झेली, ये सारे में सुझाई दयो हाल चलिया ने, झपट के पकड़ लियो हाथ चलिया ने। इस प्रकार से नारद जी कहने लगे, सुनो एक सुंदर नारी के साथ शादी होगी, लेकिन वो तुम पे झेली नहीं जाएगी। जवाब दो भस्मासुर ने, मेरे समान कोई बलवान इस संसार में नहीं, तुम तो ये बताओ किस दिशा से, किसके साथ, कैसे होगी शादी। नारद बोले, सुनो ऐसा उपाय बता दे कि वो कैसे कह देते हैं कि हद ले गया ना फिटकरी हद बगुआ पर ही। हाँ यही उपाय बता दो। नारद कहे तुम जाओ शिव पर दुख टारेंगे हरी, फोकट में है जाए ब्याह हुए हद लगे नहीं फिटकरी। नारद जी ने जवाब दिया, तुम शंकर भगवान के पास क्यों नहीं जाते हो, अरे उनसे जाकर के कहो वो बिना उपाय के ही तुम्हें नारी हाल ही दे दे। और सुनो ना वीर, एक और बात तुम्हें बता दें। हाँ बताओ, कहाँ डोलोगे भटकते, अरे शंकर भगवान की जो घरवाली पार्वती है वो बताओ कितनी सुंदर है, उन्हें ही अपनी घरवाली क्यों नहीं बना लेते हो। देखिए बुद्धि फेर गई और एकदम से भस्मासुर दुखी होने लगा, सोचने लगा ठीक कहा, ऐसी सुंदर कहाँ मिलेगी। काम क्रोध मद लोभ बस खल भूलो दीपक धूपकू, भस्मा सुर व्याकुल भयो गिर जाके लख के रूपकू। आज देखिए भस्मा सुर अपनी गुरु माता के प्रति क्या विचार बना रहा है। भैया मग में चला जा रहा है, सोचता जा रहा था, अवश्य नारद जी ने सही बताया था, पार्वती को अपनी घरवाली ही बना के रख। ओ पापी ने पाप कमाया गे, ए पापी ने पाप कमाया गे, मेरे राम या जब तेरी
सोच बन विचार करके और भस्मासुर लौट के और एकदम से पार्वती के पास पहुंच गो। भैया रामवीर क्या बोला, ए गोरा सुन तेरा भोला ही बाबर बोरा, सुन रही है ना, तेरा भोला ही बाबर बोरा किसे हो गो गुजारो। जवाब दिया सुन रही है ना, ए तेरा भोला है बाबर बोरा किसे हो गो गुजारो। आज भस्मासुर ने जवाब दिया, अरे राम 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 राम, कितनी सुंदर तू है और तेरा पति बाबर बोर हो, इसके साथ तेरा कैसे गुजारा होगा। और सुन तू तू राजन की राज दुलारी, ए तू राजन की राज दुलारी, अरे पैरगना की जन्म भिकारी, जाने तेरो रूप बिगारो किसे होगो गुजारो, तेरो भुला के बाबर बोरा किसे होगो गुजारो। क्या चाल चला रहा है असुर, ये पार्वती सुन तू हमेशा राजन की राज दुलारी है, ये बैरगना भिखारी जोड़ता कैसे बन जाओ। और सुन रथ घोड़ा हाथी नहीं बैली, ए रथ घोड़ा हाथी नहीं बैली, तेरे ना कोई संग सहेली, ना जाके कहूं पनी हवेली। और सुन ये तो बीमारी को मारो किसे होगो गुजारो, तेरो भोला के बाबर बोला किसे होगो गुजारो। मेरे श्रोताओं ये देखिए ना, असुर आज महारानी जगदम्मा भवानी पार्वती से अपने मुख से क्या शब्द निकाल रहा था, मैया कहने लगी है रे सुन, कहने लगा तू पीछे सुनाइयो पहले मैं ही सुन ले पूरी बात। क्या शिव को अंग सकल है कानों, ए शिव को अंग सकल है कानों, कर ले ब्याह मानो जाने कैसो फंदा डारो किसे होगो गुजारो, तेरो लाखे बाबर बोरा किसे होगो गुजारो। देखने लगे, अरे ये दुष्ट ओ नीच पापी हरामी तू क्या कह रहा है, ए सुन गजगामिनी सुने सबक सयानी,
गामिनी सुनी समुख सयानी बन जा असुर राज की रानी। हाँ, बन जा असुर राज की रानी। हाय, खुली जाए भाग तुम्हारो हंस के हो गो गुजारो तेरा भोला के बाबर बोरा किसे हो गो गुजारो। इतने जब शब्द असुर के सुने हैं गिरजा कहने लगे पापी असुर और नीच भाग जा यहां से नहीं तू मारा जाएगा। बोली उमायो अभिमानी तुमको होनी ने लियो पटा मालूम पड़ता पापी तेरा इस जग से अब अनजल उठा। जवाब दिया महारानी ने ए पापी असुर मुझे ऐसे मालूम पड़ता है कि तेरा अब अन्न जल संसार से उठाया। जगत पिता महादेव को रहो काल बस भूल जिसने त्रसरा असुर हनो वो ही शिव का त्रिशूल जानता है। अरे वो शंकर भगवान जगत पिता है मुझे जग जननी कहा जाता है और तू ऐसे शब्द मुझसे निकालेगा मुझे ऐसे मालूम होता है तेरा काल आ गया। लेकिन भैया जा कहू को वास्तविक काल आ जाए तो वो कहू बात है ना मान। और क्या बोली मैया ए होनी ने तो ही पटाया थी। जवाब दो अब मैं निश्चय समझ लिया मैंने अपने मन में तेरा काल आ गया। हे सुनी गिरजा के बिन हे सुनी गिरजा के बिन सुरग करने न क्रोध अति छायो कर के ने ना लंधरे बचन फरमायो। पार्वती के इतने शब्द सुन करके और एकदम से भस्मासुर आगे के लिए बढ़ा और कहने लगा सोन पहले मैं शंकर को खत्म करूंगा तब तुझे बाद में देखूंगा। अरे सुन के बचा लायो मां के लकारी। बेटा ये क्या हुआ सुन के बचा लायो मां के लकारी। महारानी पार्वती ने जवाब दिया है अरे ओ खल मूर्ख सुन गुरु माता पर नियत डालने वाला विभुचारी
इंद्र का हाल दास्तान तूने सुना होगा। गुरु माता से छल करने में तुझे कितना दंड मिलेगा, रौरव कुली नरक में जाएगा, मानता है इस बात को? बस मां सुनने जवाब दो, इन बातों को हम नहीं जानते। मेरी अमर काया है, मैं कभी मरूंगा नहीं, जन्म लूं तो मुझे भय है कि मुझे पाप से डरना चाहिए। हो जा तैयार। पार्वती ने कहा दूर रहना, मेरे पास आएगा मैं तुझे भस्म कर दूंगी। कहने लगा ठीक है, तुझे मैं बाद में देखूंगा, तुझे बाद में देखूंगा, पहले शंकर का खटका मिटाना है। क्या बोला? तुझे मैं देखूं बाद में, पहले उसका खटका मिटाऊंगा, करके भस्म उस भिखारी को, फिर तुझको नारी बनाऊंगा। जवाब दिया, अरे तू पे तो मैं हाथ ना उठा रहा, लेकिन अब भिखारी पहले भस्म कर दूं, फिर तू कहां जाएगी? शिव शंकर पास जाई कर बोला, वीर किलकार है, तेरो मंत्र तो पई चलाऊं, हो जा तुरत तैयार। की बस मां सुनने जवाब दो, ए शंकर हो जा तैयार, तेरा मंत्र तेरे पे ही चलाऊंगा, पहले तुझे भस्म करूंगा। और क्या बोलो भैया रामवीर? कि भस्मासुर कहे महादेव से एक करके नैना लालू, अब ना बचे गो भोला, आयो तुम्हारी सर पे कालू। भगवान शंकर के पास जाके कहने लगा, बोला हो जा तैयार, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेंगो जटा उखारे तू पिलेंगो डाड़ी, ए लेंगो जटा उखारे तू पिलेंगो डाड़ी। मेरे श्रोता हो, ऐसा ही जमाना है, जिस गुरु से शिक्षा पाई आज देखिए वो से सोने ही भस्म करना चाह रहा है। ए लेंगो जटा उखारे तू पिलेंगो डाड़ी। और सुन, अब न मिलेगी तोई भांग पीवे गाड़ी, अब न मिलेगी तोई भांग पीवे गाड़ी। और सुन, पर्वत के बीच भैया अब न चलेगी भोला तेरी ये सतरंगी चाली, अब न बचे गो भोला, आयो तुम्हारी सर पे काल। आमिर आज इस प्रकार से भोलेनाथ सोचने लगे, हाय इसे वरदान तो मैंने बड़ा कठिन दे दिया, मुझे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? जय पर्वत के बीच सुखाए देंगो ढांचा, ए जय पर्वत के बीच सुखाए देंगो ढांचा, होनी ने लो गिर काल सर पे नाचा। हाँ होनी ने लो गिर काल सर पे नाचा, तीन लोक चौदह भवनन में, ए तीन लोक चौदह भवनन के कांपत हैं दिगपाल, अब ना बचे गो भोला, आयो तुम्हारी सर पे काल। आज मेरे श्रोता हो, इतने शब्द सुने हैं भोलेनाथ से कपने लगे, और क्या बोला सुरराज? तेरी
गिरजा बने हमारी दुल्हनिया, तेरी गिरजा बने हमारी दुल्हनिया, तो कर दऊं भस्म पूज दुनिया, तो कर दऊं भस्म मोई पूजे दुनिया। तेरो मंत्र चलाऊं तो पे है जा, हाँ। तेरो मंत्र चलाऊं तो पे देखो मेरी कमाल, अब ना बचे गो भोला आयो तुम्हारे सर पे काल। हाँ, जवाब दिया भोला, तेरी जो गिरजा है वो मेरी दुल्हनिया बनेगी, अब तू मुझसे जिंदा नहीं बचेगा। काम कला को चढ़ी गयो खल के शीश सरूर, महादेव का पन लगे सुनसा भयो सब दूर। भगवान शंकर कांपने लगे, हाई अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भैया का भाव, ओ भागो बाबा लट धारी छोड़ के मड़ैया की लाश को, ए सुन सुन महात्मा, ए बाबा जी कहां भग रहा है सुन मेरी। अय हाय भोलेनाथ अपना पीछे फिर के देख रहे। ओ भागो पलट धारी छोड़ी की मड़ैया की लाश को, भैया रामवीर अब ना बोलना तो पीछे को देख रहे, हुआ क्या? भस्मासुर को क्रोध देख के कपो देवन को देवा, भस्मासुर को क्रोध देख के कपो देवन को देवा, चेला में ते पेला बन गओ, चेला में ते पेला बन गओ, बनो प्राण को लेवा लज्जा राखो ये सुरारी छोड़ के मड़ैया के। इंसान होते हैं, आज भी कलयुग की बात बता रहा हूं, सीधे इंसान होते हैं जिनके चेहरा पर भी शुद्धता होती है, वो भगवान का रूप हुआ करता है। भगवान शंकर अब पछताने लगे, बताइए मेरा चेला होकर के मेरे प्राण ले रहा है, कितना बुरा सोच रहा है ये मेरे प्रति। प्राण बचाए के भोला भागो तन की सूरत बिसारी, बचाई के भोला भागो तन की सूरत बिसारी, कहूं त्रसूल कहूं पे डमरू, कहूं त्रसूल कहूं पे डमरू, कहूं रे ग्रजा दुलारी छोड़ी ना दिया सवारी, छोड़ी के मड़ैया तू ला सकूं। हाय अब तो शंकर भगवान शुद्ध बुद्ध भूल गए, भंग को बोला गांजे की चिलम कहूं पे सोटा कहूं पे गिर जा, छोड़ के हम तो भैया जंगल में पड़ गए। भाव कहा, भगवान शंकर पर संकट पड़ने लगा। भगवान शंकर अब तो भैया आगे आगे भगत जाए, पीछे भस्मासुर, आगे हुआ क्या?